और उसकी डेड बॉडी भी सेम टेरेसा मर्डर केस की ही तरह बिकिनी में पटाया बीच पे ड्राउन हुई है। उसकी वजह से शोभराज द बिकिनी किलर के नाम से फेमस हुए। एक इंडियन मैन अजय चौधरी से मिले। शोभराज को 12 साल की जेल हुई। यही साल था जो सरपंच के डिमाइस की वजह बना। तो जब उनको जलाया गया तब वो जिंदा थे। ऐसा ब्रूटल और कोल्ड ब्लडेड मर्डर आज तक किसी ने नहीं देखा था। ये साल था 1975, वो साल जिसने शोभराज को पूरी दुनिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बना दिया। और ये साल था द राइज ऑफ द सरपेंट। बट आयरोनिकली यही साल था जो सरपेंट के डिमाइस की वजह बना। अगर कभी भी किसी ने शोभराज के बारे में सुना होगा तो ये साल के बारे में जरूर जानता हूँ। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रिकॉर्ड, शोभराज का रिपोर्टेड मर्डर्स आर 12, जिसमें से अराउंड 7 मर्डर्स शोभराज ने इसी एक साल 1975 में कमिट करे थे। एथन से भागने के बाद शोभराज सीधा लैंड हुआ थाईलैंड। अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए वहां वो एक ड्रग डीलर और कभी एक फ्रेंच जिम डीलर की फेक आइडेंटिटी के साथ रहने लगा। बट अब शोभराज कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा था। वो चाहता था कि एक काइंड ऑफ क्रिमिनल फैमिली बनाए जिससे उसे किसी भी क्राइम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। इसी की वजह से उसे अपनी सबसे पहली डिवोटी, जो उसे गर्लफ्रेंड भी थी, मैरी एंड्री लेक्लेरिक मिली थी। लेक्लेरिक एक कैनेडियन गर्ल थी जिसको शोभराज ने अपने चार्म और मैनिपुलेशन से अपने सारे क्राइम्स का पार्ट बना दिया। बट अपनी सो कॉल्ड क्रिमिनल फैमिली के लिए उसे और लोगों की जरूरत थी। उसके लिए शोभराज ने एक नया स्कैम करना शुरू कर दिया। वो पहले अपने सस्पेक्ट को चूज करता था और अपने चार्म और मैनिपुलेशन से उनके साथ दोस्ती करता था। फिर उनके लिए शोभराज खुद ही एक बहुत डेंजरस सिचुएशन खड़ी कर देता था और ऐसा प्रिटेंड करता था दैट ही केयर्स फॉर देयर वेलबीइंग और खुद ही उनको उस प्रॉब्लम से बाहर निकालता, जिससे उनको ये लगने लगता कि दे आर इंडेटेड टू हिम फॉर हिज एड। सेम उसने एक फ्रेंच मैन डोमिनिक रेनेलुआ के साथ किया, जिसे उसने पॉइजन डाइसेंट्री मेडिकेशन दे दिया और डोमिनिक की हालत इतनी खराब हो गई कि उसको लगने लगा कि अब वो बच ही नहीं सकता। फिर शोभराज ने उसकी तब तक देखभाल करी जब तक वो ठीक नहीं हो गया और उसका ट्रस्ट जीत लिया और वो सारे प्रोस्पेक्ट्स उसके फैमिली का एक पार्ट बन गए थे। इसके बाद शोभराज थाईलैंड में एक इंडियन मैन अजय चौधरी से मिला। शोभराज ने उससे दोस्ती की, उसका ट्रस्ट जीता और अजय उसकी फैमिली का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया। अजय ने शोभराज के सारे रूथलेस क्राइम्स में उसका साथ दिया, इंक्लूडिंग दो 7 मर्डर्स कमिटेड इन 1975 बाय शोभराज। शोभराज और अजय ने एक साथ बहुत सारे क्राइम्स कमिट किए। देयर फर्स्ट नोन मर्डर विक्टिम वाज अ यंग वुमन ऑफ सिएटल, टेरेसा नोल्टन। इन अ बुक अबाउट शोभराज कॉल्ड सर्पेंटाइन, शी वाज नेम्ड एज जेनी बॉलिवर। शोभराज उसे वहां एज अ टूरिस्ट गाइड मिला जो उसे पटाया बीच लेकर जाने वाला था। अपेरेंटली टेरेसा की डेड बॉडी उसी जगह गल्फ ऑफ थाईलैंड पटाया के एक टाइडल पूल में मिली, वेयरिंग अ फ्लावर्ड बिकिनी। सबको लगा दैट इट वाज एन एक्सीडेंट, बट आफ्टर मंथ्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये क्लियर हुआ कि इट वाज एक्चुअली अ मर्डर। बट उस वक्त कोई एविडेंस नहीं मिला जिससे प्रूफ किया जा सके कि वो मर्डर शोभराज ने किया था। शोभराज एंड अजय मूव्ड फ्रीली। देयर नेक्स्ट विक्टिम वाज अ यंग नोमैडिक स्पोरैडिक ज्यू, विटाली हकीम। हिज बॉडी वाज फाउंड बर्नड ऑन द रोड ऑफ पटाया रिसॉर्ट, जहां शोभराज अपनी क्रिमिनल फैमिली के साथ रहता था। अगेन वो मर्डर भी इतनी सफाई से हुआ कि शोभराज के खिलाफ इस केस में भी कोई एविडेंस नहीं मिला। मैं तो स्कूल में भी इतनी सफाई से नहीं लिखता था जितनी सफाई से मर्डर कर देता है। टैलेंट भाई टैलेंट। शोभराज के नेक्स्ट विक्टिम थे एक डच कपल, नेमली हैंक मिंतांजा एज 29 एंड हिज फियांसे कॉर्नेलिया हेमकर एज 25। शोभराज इनसे हांगकांग में मिला था और थाईलैंड आने के लिए इनविटेशन दिया था। जब वो डच कपल वहां पहुंचे तो शोभराज ने उन्हें पॉइजन कर दिया और खुद ही उनकी देखभाल करी जब तक वो ठीक नहीं हो गए और उनका ट्रस्ट जीत लिया। इस टाइम तक शोभराज के पुराने मर्डर विक्टिम विटाली हकीम की गर्लफ्रेंड कारमाइनी कैराव हकीम के मर्डर के एविडेंस ढूंढने के लिए थाईलैंड आ गई थी। जैसे ही अजय और शोभराज को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने इससे डील करने के लिए कैराव का भी मर्डर कर दिया और उसकी डेड बॉडी भी सेम टेरेसा मर्डर केस की ही तरह बिकिनी में गल्फ ऑफ थाईलैंड पटाया बीच पे ड्राउन मिली। ऑल्दो दोनों केसेस बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं थे, बट उसकी वजह से शोभराज द बिकिनी किलर के नाम से फेमस हो गया। इट वॉज 16th December 1975।
जब वो डच कपल हैंक और कार्नेलिया की स्ट्रेंगल्ड और ब्रूटली बर्न्ड बॉडीज पुलिस अथॉरिटीज को मिली, और वो बॉडीज इतनी बुरी हालत में थी कि पुलिस को 2 दिन लगे सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो बॉडीज हैं किसकी। हालांकि वो आइडेंटिफिकेशन भी गलत रही, क्योंकि पुलिस ने पहले उन्हें ऑस्ट्रेलियन बैकपैकर समझ लिया था। उनको बहुत ब्रूटली मारा गया था और फॉरेंसिक रिपोर्ट शोड दैट द फीमेल हेड वॉज स्मैश्ड बाय सम हैवी स्टफ। बट सबसे शॉकिंग था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स ने दिखाया कि उनके लंग्स में काला धुआं था, जिसका मतलब था कि जब उनको जलाया गया तब वो जिंदा थे। ऐसा ब्रूटल और कोल्ड ब्लडेड मर्डर आज तक किसी ने नहीं देखा था। इट लिटरली गिव्स मी चिल्स। भाई रोंगटे खड़े हो गए मेरे, ये देख। But I can feel it too. On 18th December 1975, before the dead bodies can be identified, Shobhraj, Leclerc और अजय उन डच कपल के पासपोर्ट यूज करके नेपाल चले गए, और नेपाल में बिटवीन 21st December एंड 22nd December वो मिले दो ट्रेवलर, लॉरेंट ओमोंड कैरेरी एज 26 फ्रॉम कनाडा और कॉनी ब्रॉन्जिक एज 29 फ्रॉम कैलिफोर्निया, जिनके साथ अपने सारे विक्टिम्स की तरह दोस्ती करी, ट्रस्ट जीता और मर्डर कर दिया। कैरेरी और ब्रॉन्जिक की बर्न्ड बॉडीज 22nd दिसंबर 1975 को मिली। जब तक पुलिस उनको आइडेंटिफाई करती, शोभराज और लेक्लेरक उन दोनों ट्रेवलर्स के पासपोर्ट यूज करके वापस थाईलैंड चले गए थे। बट थाईलैंड में उनकी सो कॉल्ड क्रिमिनल फैमिली के मेंबर्स यानिक, जैकवास और रेनेलुआ को उस पर शक होने लगा कि वो पटाया मर्डर्स में इन्वॉल्व था, और वो तीनों पुलिस को इन्फॉर्म करके वहां से पेरिस चले गए। शोभराज बिना टाइम लगाए थाईलैंड से निकलकर कलकत्ता इंडिया आ गए, जहां उसने एक इजरायली स्कॉलर एवोनी जैकोब का मर्डर कर दिया फॉर हिज पासपोर्ट, जिसको यूज करके वो पहले सिंगापुर गया, वहां से लेक्लेरक और अजय के साथ मलेशिया गया, फिर इंडिया आया और वहां से वापस बैंकॉक चला गया। बैंकॉक में पुलिस ने शोभराज को कस्टडी में रखा, क्योंकि उन्हें शक हो गया था कि शोभराज का कुछ कनेक्शंस बिकनी मर्डर से था, बट पुलिस उसे चार्ज नहीं कर पाई, कुछ टाइम तक पूछताछ करके छोड़ दिया। Although there was also a saying कि शोभराज को अरेस्ट करने से थाईलैंड टूरिज्म इंडस्ट्री पे नेगेटिव इन्फ्लुएंस पड़ेगा, एंड ऑल्सो देर वॉज अ थ्योरी कि शोभराज ने पुलिस को $15,000 के रिश्वत दी थी। एनीवेज वो वहां से बच गया और इमीडिएटली वो थाईलैंड से निकल के मलेशिया चला गया। वहां पर शोभराज, लेक्लेरक और अजय के क्रिमिनल ट्रायो ने अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए $1,000s के प्रीशियस जेम्स की रॉबरी शुरू कर दी। उसके कुछ टाइम बाद अजय चौधरी डिसअपियर हो गया था और उसे आज तक कहीं नहीं देखा गया। इसका कोई प्रूफ नहीं है, बट देयर इज अ थ्योरी कि अजय को भी बाकी लोगों की तरह शोभराज ने ही मारा जब वो शोभराज के लिए यूजफुल नहीं रहा। उसके बाद शोभराज जेमस्टोन बेचने के लिए लेक्लेरक के साथ जनेवा चला गया, जो उन्होंने मलेशिया से चुराए थे। Their next stop was India, जहाँ पर शोभराज ने अपने पुराने क्रिमिनल फैमिली वाले प्लान को रिवाइव किया। उनके इस प्लान में शोभराज को दो लड़कियों ने ज्वाइन किया, नेमली बारबरा स्मिथ एंड मैरी एलन ईथर। इन बॉम्बे चार्ल्स और उसके एंजल्स के ग्रुप ने एक फ्रेंच मैन जीन लूप सोलमोन का मर्डर कर दिया, जिसको उन्होंने एक रॉबरी के टाइम पर पॉइजन दिया था बेहोश करने के लिए, बट ड्यू टू ओवरडोज वो वहीं मर गया। इन जुलाई 1976, चार्ल्स ने अपने वुमेन ट्रायो के साथ एक बड़ी रॉबरी का प्लान बनाया। उन्होंने 60 फ्रेंच पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को रॉब करने का प्लान किया। शोभराज ने उस फ्रेंच स्टूडेंट्स के ग्रुप को कन्विंस कर लिया कि वो शोभराज, लेक्लेरक, स्मिथ एंड एलन को एज टूरिस्ट गाइड रख ले। शोभराज ने फिर से अपनी पॉइजन डायसेंट्री मेडिसिन ट्रिक यूज करी, बट इस बार वो ट्रिक उसी पर बैकफायर कर गए। उस ड्रग का असर टाइम से पहले ही होने लगा। उस ग्रुप में से कुछ स्टूडेंट्स बेहोश होने लगे और बाकी बचे स्टूडेंट्स समझ गए कि उनको कोई ड्रग दिया है उनके टूरिस्ट गाइड्स ने। स्टूडेंट्स ने शोभराज को ओवरपावर कर लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। उन चारों से पूछताछ हुई तो एलन और स्मिथ ने अपने सारे क्राइम्स कन्फेस कर लिए। शोभराज के ऊपर जीन लूक सोलमन के मर्डर के चार्जेस लगे और उसकी पूरी क्रिमिनल फैमिली को तिहाड़ जेल में डाल दिया।
बट कोर्ट के ट्रायल से पहले ही स्मिथ और एलन ने जेल में ही सुसाइड कर लिया। शोभराज को 12 साल की जेल हुई। लेक्लेरक अपनी जेल सेंटेंस के बाद कनाडा चली गई और 1984 में शी डाइड बिकॉज ऑफ ओवरी कैंसर। इस टाइम तक थाईलैंड में शोभराज के नाम का वारंट 16th December 1975 डच कपल मर्डर केस के लिए निकल गया।